मैं पकड़ लूंगा, भागो मत बेटा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं कमल चौधरी और फिर से मैं एक बार लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ आ चुका हूँ। और आप देख सकते हैं ये पेशे से किसान हैं और अपने ऐसे जगह पे ही घर इनका रहता है जहाँ पर सांप घुसता है। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ परिवार खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस गोबर के जो उफले हैं जिसे हम कंडा कहते हैं छत्तीसगढ़ की भाषा में, यहाँ पर एक बिग साइज का कोबरा घुसा हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक सांप है और अगर ना देखे तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आपको दिखाता हूँ सांप कहाँ पर है। मैं कलारी आ गया, कलारी आ गया, इसमें जल्दी हो कलारी में खींचो, ये तो खींचे आप कलारी में। अरे छेना कैसे खींचने का, जैसे भी खींचना है छेना को बाहर निकालना है। अंदर अंदर बच्चों को दिक्कत नहीं, एक जन होती रही ना। कपार में लगा दे रही का थोड़ा नहीं पर है ना, ऊपर नीचे भी कैसे खींचो। हाँ कुढ़ो मत यार, कहीं माँ फिर पड़ जाए। चल 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 दुरिया में रह, दुरिया में बच्चों को भी ले लो। उधर का ना देखो इस साइड का, देख तो आंखी वालों की तरफ जाओ यार, ओखर आंखी थोड़ा का है, सियान हो गए। हाँ ठीक है, ये क्या कैमरा देखा, हाँ ये मुंडी देखना पड़ेगा ना, कहाँ के भैया? ये भैया, हाँ किसको 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 दोस्तों, देखिए भारत में यही एक सांप है जिसकी वजह से हर साल लोग काल की गाल में समा जाते हैं और इसे ही गेहुआन के नाम से जाना जाता है या गेहुआन नोकल नाम से या डोमी के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदी में इसका नाम है नाग और इंग्लिश में है स्पेक्टेकल कोबरा। डब्बल खोल दे तो मैं दिखाना चाहूंगा, डरो मत डरो मत। किसको 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 छेड़ेंगे अब देखो, भागना मत, कोई भागना, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, भागो मत बेटा, भागो मत। हाँ।
सब खाना है वीडियो में चार भाजी सब दो यार ऐसी तैसी भेजना देखो कैसा पट से हमला करता है दोस्त। और कैलू का कहना है कि सर आप सांप को पकड़ते हैं तो पूछ पकड़ने से कुछ नहीं करता, धोखे मत रहिएगा, मैं हमेशा मेरा नज़र उस पर है और अगर चूक होगा तो आके मेरे हाथ को पकड़ सकता है वो। इनका मसल्स में इतना ताकत होता है, पावर होता है कि थोड़ा सा भी सहारा मिले कहीं भी चढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से काट के मेरे जूते को पूरा जहर से भर दिया और इतना जहर यहाँ जितने लोग खड़े हैं उतने लोगों को मारने के लिए काफी है। तो प्लीज मैं बार बार यही कहूंगा कि हमारी कॉपी ना करें। ये जबरदस्ती किसी को काटना नहीं चाहते हैं जब तक हम इसके संपर्क में ना आए या इसे छेड़े नहीं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है। याद रखिएगा इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है और काटने से मौत निश्चित है। अगर ये काम के दरमियान मुझे भी काट दे तो मेरी मौत निश्चित है, मैं पानी तक नहीं मांगूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों को जागरूक करना है। आज भी भारत में आज भी लोग गांव के लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि इनका घर खेत खलिहान से जुड़ा होता है, तो आज भी वो लोग ये करते हैं कि सांप काटने से झाड़ फूक देसी इलाज करते हैं। तो प्लीज़ हमारा मेन मकसद यही है लोगों को जागरूक करना, सांप काटे तो झाड़ फूक नहीं करना, बरसात के मौसम में नीचे नहीं सोना है, खाट पे सोना है, मच्छरदानी लगा के सोना है। और भगवान ने अगर ऐसा कहीं सांप काट दे तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है और इसका इलाज मुफ्त होता है सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन, तो तुरंत जाइए आपकी जान जरूर बचेगी, कोई तांत्रिक बाबा आपकी जान नहीं बचा सकता। तो और YouTube में मेरा चैनल है कमल चौधरी के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑल करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब इस वीडियो शेयर करने से आपके हमारे प्रयास से किसी एक का भी जान बचेगा तो हम अपने काम में सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जहर निकली सर, क्या हम लोग डब्बा इस्तेमाल नहीं करते? बैग, मैं ऑफिस में ड्यूटी में था ना, मजबूरी है। आगे का तो हमने इतना तीर मार नहीं भाचा।